हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन एकेडमी क्लासेस। गाइस, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जुलाई के सेकेंड वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था जुलाई के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें हमने कवर किए थे 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के करंट अफेयर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक के करंट अफेयर, इसमें आपको मिलेंगे। तो गाइस, जो भी इस चैनल पर नया हो वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर अभी तक आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया इस वीडियो को, तो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए। और चलते हैं हमारे अगले आज के वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, 11 जुलाई को, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11 जुलाई को हर साल वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। हिंदी में इसे बोलते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक और, नेशनल फिश फार्मर डे भी 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। ये दो दिवस आपको 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है, नेशनल फिश फार्मर डे और दूसरा है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। दोनों ध्यान रखना, आपको 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दो आपको दिया हुआ है, वर्ल्ड पेपर बैग डे कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर दो का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, यानी कि 12 जुलाई को वर्ल्ड पेपर बैग डे मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन आपको बोल रहा है, किसके नाम पर IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर तीन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर IARI झारखंड की नई बिल्डिंग का नाम रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपकी बात हुई है IARI की, इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में इसे बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1905 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, ध्यान रखना आप, 1 अप्रैल 1905 को इसकी स्थापना की गई थी IARI की, ठीक है। इसका हिंदी में नाम होता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और इंग्लिश में है इसका इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर चार आपको दिया हुआ है, भारत किस देश में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर चार का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, यानी कि भारत जो है यूनाइटेड किंगडम देश में FDI का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। यहाँ पे बात हुई है आपकी FDI की, तो FDI का फुल फॉर्म होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI का फुल फॉर्म होता है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब UK तो दूसरा देश है, पहला देश कौन सा है, पहला देश है USA, जहाँ पे भारत FDI का पहला सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच आपको दिया हुआ है, किस देश ने 2018 की बाघ जनगणना दुनिया में सबसे ज़्यादा कैमरा ट्रिप वन्य जीव सर्वेक्षण के रूप में गिनीज रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुई है। क्वेश्चन नंबर पाँच का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत देश की जो जनगणना है बाघों की वो गिनीज रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुई है, ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर छः दिया हुआ है आपको, किस देश ने सफलतापूर्वक OFAC-16 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर छः का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, यानी कि इसराइल देश ने सफलतापूर्वक OFAC-16 स्पाई सैटेलाइट को लॉन्च किया है। यहाँ पे बात हुई है आपकी इसराइल की, तो इसराइल की राजधानी आपकी जेरूसलम, यहाँ की जो करेंसी है वो इसराइली न्यू शेफेल चलती है, यहाँ पे इसराइली न्यू शेफेल, ठीक है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो बेंजामिन नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो रेवन रेलविन यहाँ के राष्ट्रपति है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब बातें। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सात आपको दिया हुआ है, किस देश ने COVID-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र को विदेशी यात्रा के लिए अनिवार्य कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर सात का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बांग्लादेश ने COVID-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र को विदेशी यात्रा के लिए अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे बात हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी आपकी ढाका, यहाँ की मुद्रा है टका, यहाँ की राजधानी आपकी ढाका है और जो मुद्रा है वो टका है, ठीक है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो शेख हसीना जी है, शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है। यहाँ के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जी है,
बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जी है, यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की करेंसी टका है। ठीक है, ध्यान रखना ये। और कुछ और जानकारी ले लेते हैं बांग्लादेश के बारे में, पड़ोसी देश है हमारा, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है आपका रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। यहाँ का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो ओरिएंटल मैगपाई रोबिन यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है, ओरिएंटल मैगपाई रोबिन यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है यहाँ का, लिली यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, ध्यान रखना ये। और राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो आपका आम है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोल रहा है किसने द डायना अवार्ड 2020 जीता है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि फ्रिया ठकराल ने द डायना अवार्ड 2020 जीता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है, कौन सा राज्य सभी 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका, हिमाचल प्रदेश राज्य जो है ये सभी घरों में LPG कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यहाँ पे बात हुई आपकी हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो जयराम ठाकुर जी है, यहाँ के प्रधानमंत्री जयराम ठाकुर जी है वर्तमान में। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में जो राज्यपाल है वो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है। और जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय है इसके जो मुख्य न्यायाधीश है वो लिंगप्पा नारायण स्वामी है, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। हिमाचल प्रदेश का जो राष्ट्रीय वृक्ष है उसका नाम है देवदार, देवदार का वृक्ष यहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है। और हिमाचल प्रदेश में टोटल 12 जिले आते हैं, 12 जिलों से बना हुआ है ये। राष्ट्रीय पुष्प यहाँ का बुरांस है, बुरांस यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 4 आती है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 आती है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन, लोकसभा की सीटों की संख्या 4 है यहाँ पे और राज्यसभा की 3 है, तो ध्यान रखना ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको, ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट विकल्प देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ओला ने फ़ोनपे के साथ समझौता किया है ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे बात हुई है फ़ोनपे की, तो फ़ोनपे का हेडक्वार्टर बेंगलुरु शहर में स्थित है और जो फ़ोनपे है इसकी पेटेंट कंपनी है आपकी फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट इसकी पेटेंट कंपनी है। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्वेन जॉनसन जो थे है ये इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोल रहा है किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियंस के साथ समझौता किया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि करूर वैश्य बैंक जो है इसने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियंस के साथ समझौता किया है। जो करूर वैश्य बैंक है ये एक प्राइवेट बैंक है जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी, ध्यान रखना 1916 में करूर वैश्य बैंक की स्थापना हुई थी। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर करूर में ही स्थित है। और ये करूर कहाँ पे आता है, ये आता है आपका तमिलनाडु राज्य में, करूर तमिलनाडु राज्य में आता है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर स्थित है करूर वैश्य बैंक का और इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपको बोल रहा है किस राज्य ने पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, छत्तीसगढ़ राज्य ने पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है। यहाँ पे आपकी बात हुई है छत्तीसगढ़ की, जो लोक अदालत है ये छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में बनाई गई है ई लोक अदालत। इसमें क्या होगा, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही की जाएगी और इसमें जो पक्षकार है और जो वकील है उन दोनों को न्यायालय आने की ज़रूरत नहीं होगी, ये घर पे बैठे बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी अदालत की कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बात हुई आपकी छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है वो भूपेश बघेल जी है वर्तमान में भी, वर्तमान में भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के जो राज्यपाल है छत्तीसगढ़ के वो अनुसुईया उइके जी यहाँ की
राज्यपाल है अनुसुईया उइके, ध्यान रखना है इस नाम को, ठीक है। और जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो पी आर रामचंद्र मेनन है, पी आर रामचंद्र मेनन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान रखना आप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आपको बोला गया है, किस राज्य ने दूध डेयरी उत्पादों की शुद्धता के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राजस्थान राज्य की सरकार ने दूध डेयरी के उत्पादों की शुद्धता के लिए प्योर फॉर श्योर का अभियान शुरू किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि राजस्थान राज्य ने शुरू किया है ये। यहाँ पे बात हुई आपकी राजस्थान की, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है वो अशोक गहलोत जी है वर्तमान में। जो राजस्थान राज्य है इसके जो राज्यपाल है वो कलराज मिश्र जी यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है। और राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो इंद्रजीत मोहंती जी है, इंद्रजीत मोहंती राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है। और राजस्थान में ही आपका जय समंद, राज समंद, पिछोला झील और फतेह सागर झील ये सभी आती है, ठीक है। और राजस्थान में माउंट आबू नामक जो जगह है वो भी यहीं पे पड़ती है, राजस्थान में ही, ठीक है। माउंट आबू जो कि जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखना है इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने इंतज़ार आपका अभियान शुरू किया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इंतज़ार आपका अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश की राजधानी है आपकी भोपाल, यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह जी चौहान, यहाँ के राज्यपाल है आप, राज्यपाल अभी वर्तमान में कोई नहीं है, इनका राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला हुआ है आपका आनंदीबेन पटेल जी ने। और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो अजय कुमार मोहंती जी है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 29 है और राज्यसभा की सीटें 11 आती है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें 29 है, राज्यसभा की सीटें 11 है। यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मोहंती जी है और राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार आपका आनंदीबेन पटेल ने संभाला हुआ है, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है आपकी, ठीक है। और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका नाम की गुफा पाई जाती है और रायसेन जिले में ही आपका सांची स्तूप भी स्थित है मध्य प्रदेश में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके इस मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है, ली हसियन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री बने। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं ली हसियन लुंग। और यहाँ पे बात हुई है सिंगापुर की, तो सिंगापुर की राजधानी आपकी सिंगापुर सिटी, यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो सिंगापुर डॉलर चलती है यहाँ की मुद्रा, यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो हमीला याकूब यहाँ के राष्ट्रपति है, हमीला याकूब यहाँ के राष्ट्रपति है। और यहाँ के प्रधानमंत्री भी वर्तमान में चुने गए हैं ली हसियंग लून, यहाँ के राष्ट्रपति है वर्तमान में, ठीक है, ली हसियन लून। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपको बोल रहा है, किस राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोक टोक अभियान शुरू किया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोक टोक अभियान शुरू किया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ध्यान रखना है इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपको बोल रहा है, दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो वियतनाम है यहाँ पे दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। यहाँ पे बात हुई है आपकी वियतनाम की, तो वियतनाम की राजधानी है आपकी हनोई, यहाँ जो मुद्रा चलती है वो वियतनाई डोंग हो जाएगी यहाँ की मुद्रा, वियतनाई डोंग यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के राष्ट्रपति है आपके ट्रान डाई क्वांग। ट्रान डाई क्वांग यहाँ के राष्ट्रपति है, ठीक है, ध्यान रखना वियतनाम के बारे में ये सब इन्फॉर्मेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है, किसने आईआईटी हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डीआरडीओ ने आईआईटी हैदराबाद में रिसर्च सेल स्थापित करने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, डीआरडीओ। यहाँ पे बात हुई है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
हिंदी में इसे बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में DRDO का मुख्यालय स्थित है और वर्तमान में DRDO के जो अध्यक्ष हैं वो जी सतीश रेड्डी जी हैं। जी सतीश रेड्डी DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इनकी स्थापना हुई थी DRDO के 1958 में। और ये जो DRDO है ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है आपका, ठीक है, ध्यान रखना है इसे। अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 20 आपको बोल रहा है किस देश ने अधिकारित रूप से WHO से अलग होने का फैसला लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने WHO से अलग होने का फैसला ले लिया है। यहाँ पे बात हुई है आपकी अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है आपकी वॉशिंगटन DC। यहाँ के प्रधान जो राष्ट्रपति है वो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति। और जो राष्ट्रपति होते हैं अमेरिका के, उनका कार्यकाल होता है आपका 4 साल का, ठीक है, 4 साल का कार्यकाल होता है इनका। और जो राष्ट्रपति है अधिकतम यहाँ पे 2 बार ही चुने जा सकते हैं। जैसे कि भारत में क्या होता है, भारत में एक व्यक्ति कितनी ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, पर यहाँ अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन चुका है तो वो 2 बार से ज़्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद वो तीसरी बार चुनाव के लिए नहीं खड़ा हो सकता, ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है आपको, किसने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उर्जित पटेल ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है भारत के 66वें चेस मास्टर कौन बने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जी आकाश जो है ये भारत के 66वें चेस मास्टर बने हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपको बोल रहा है किसने Formula 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता हुआ है जीता है। तो ठीक, 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉल्टेर बोटास ने Formula 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आपको बोल रहा है किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बोल रहा है CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि फेसबुक के साथ CBSE ने समझौता किया है शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई आपकी फेसबुक की, फेसबुक के वर्तमान में जो CEO है वो मार्क जुकरबर्ग है। मार्क जुकरबर्ग वर्तमान में फेसबुक के CEO है और ये फेसबुक के संस्थापक भी है। और मार्क जुकरबर्ग के साथ एक और व्यक्ति फेसबुक के संस्थापक है, इनका नाम है आपका डस्टिन मोस्कोविट्स। डस्टिन मोस्कोविट्स भी मार्क जुकरबर्ग के साथ फेसबुक के संस्थापक रहे, संस्थापक बोल सकते ही ना। और जो फेसबुक स्टार्ट हुई थी वो वर्ष 2004 में फेसबुक आपकी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है आपको हाल ही में द सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड ने हाल ही में द सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, भारतीय सेना ने किस देश से SIG-716 असाल्ट राइफलों के दूसरे बेच का आदेश देने का फैसला किया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए देश, यूएसए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा आपका यूएसए। 28 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है आपको ची लूपो नामक वृत्त चित्र के लिए 2020 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाए गया। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि केचांग डी थांग डोग को 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है आपको किसने क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश जावड़ेकर ने क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल
बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश जावड़ेकर। 30 दिया हुआ है आपको, किसने? गेटिंग कॉम्पिटिटिव द प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि R.C. भार्गव ने गेटिंग कॉम्पिटिटिव द प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है उर्जित पटेल। तो उर्जित पटेल जो थे ये RBI के 24 नंबर के गवर्नर थे, और अभी वर्तमान में जो गवर्नर वो शक्तिकांत दास जी है, ये 25वें नंबर के गवर्नर है। आपके एग्जाम पूछा जाता है कि शक्तिकांत दास जो है ये कौन से नंबर के गवर्नर है, तो 25वें नंबर के गवर्नर है, ये ध्यान रखना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उर्जित पटेल जो थे ये 24वें नंबर के गवर्नर थे आपके, ठीक है। और RBI के सबसे पहले नंबर के गवर्नर जो थे वो ओरबोर्न स्मिथ थे आपके, सर ओरबोर्न स्मिथ। फर्स्ट गवर्नर थे RBI के। और जो उर्जित पटेल है वो वर्तमान में मारुति सुजुकी के अध्यक्ष है अभी वर्तमान में उर्जित पटेल, ठीक है, ध्यान रखना। ये जो उर्जित पटेल है ये वर्तमान में मारुति सुजुकी के अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है आपको, किस बैंक ने लोन इन सेकंड डिजिटल समाधान ऐप लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यस बैंक ने लोन इन सेकंड डिजिटल समाधान लॉन्च किया है। यहाँ पे बात हुई है यस बैंक की, यस बैंक के CEO जो है वो प्रशांत कुमार जी है, यस बैंक के CEO। और यस बैंक के जो संस्थापक थे वो राणा कपूर संस्थापक है इसके, यस बैंक के, ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है आपको, हाल ही में एनिगो मारिकोन का निधन हुआ है, वे कौन थे। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो हाल ही में एनिनो मारिकोन है ये संगीतकार है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है आपको, किस आईआईटी ने AL इन बैंकिंग पर अपना पहला कार्यक्रम शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि IIT रुड़की ने अल इन बैंकिंग पर अपना पहला कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। और ये जो IIT रुड़की है ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये इंजीनियरिंग की एक यूनिवर्सिटी है IIT रुड़की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 आपको दिया हुआ है, किस बैंक ने भविष्य बचत खाता योजना शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फिनो पेमेंट बैंक ने भविष्य बचत खाता योजना शुरू की है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 आपको दिया हुआ है, किस राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मिशन वृक्षारोपण अभियान 2020 शुरू किया है। यहाँ पे बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ जी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है, यहाँ के राज्यपाल जिन्होंने मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला हुआ है अभी वर्तमान में। और उत्तर प्रदेश के जो उच्च न्यायालय है वो आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय लगता है यहाँ पे, और उसके जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो है आपके गोविंद माथुर, गोविंद माथुर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 आपको बोल रहा है, फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जिन कोस्टेक्स को फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बात हुई है आपकी फ्रांस की, तो फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है, यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो यूरो चलती है, यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति है, और यहाँ के प्रधानमंत्री है आपके जिन कोस्टेक्स, यह यहाँ के नए प्रधानमंत्री बच्चू नए गए अभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल ऐप लीड लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 37 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि दिल्ली राज्य सरकार ने ई लर्निंग पोर्टल ऐप लीड को लॉन्च किया है। दिल्ली की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है, यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी है, और यहाँ के जो उपराज्यपाल है वो अनिल बैजल जी है।
अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल है। यहाँ के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो धीरू भाई नारायण भाई पटेल यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, ध्यान रखना है क्वेश्चन। और गाइस मैं आपको हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा फैक्ट इसलिए देता हूँ और बार बार इसीलिए रिपीट करता हूँ ये, ताकि आपको ये सब याद हो जाए। और ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, यहाँ के राज्यपाल कौन चुने गए हैं अभी वर्तमान में, तो ये सब पूछा जाता है आपसे एग्ज़ाम में। तो आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे, चाहे आपको पता भी होगा तो भी आपका रिवीजन हो जाएगा, और किसी को नहीं याद है तो वो याद कर पाएंगे यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है आपको। किस राज्य सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ओडिशा राज्य सरकार ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए बलराम योजना शुरू की है। यहाँ पे बात हुई है ओडिशा की, तो ओडिशा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक जी है। वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल जी है, और जो ओडिशा उच्च न्यायालय है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश आपके मोहम्मद रफीक यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है, ध्यान रखना ये। और ओडिशा में ही कोणार्क का सूर्य मंदिर भी ओडिशा में स्थित है। और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये 10 रुपये के नोट के पीछे आपका चित्रित है। ठीक है, 10 रुपये के नोट के पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है आपको। किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की घोषणा की है? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बिहार राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की घोषणा की है। यहाँ पे बात हुई है बिहार राज्य की, तो बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार जी है। यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान है, और जो बिहार है यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय लगता है। पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो संजय केरोल वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ है आपको। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू की है। यहाँ पे बात हुई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है आपकी। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो BS येदियुरप्पा जी है, और यहाँ के जो राज्यपाल है वो वजूभाई वाला यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है वो अभय श्रीनिवास ओखा जी यहाँ के वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। और जो कर्नाटक राज्य है यहाँ पे लोकसभा की सीटें आपकी 28 आती है और राज्यसभा की सीटें 12 आती है। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है आपको। किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल का शुभारंभ किया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है, और यहाँ के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है दीपंकर दत्त है, और जो यहाँ के राज्यपाल है वो भगत सिंह केशोरी जी यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ पे लोकसभा की सीटें 48 आती है और राज्यसभा की सीटें 19 आती है। ठीक है, ध्यान रखना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 42। IFSCA के पहले चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजेंत श्रीनिवास को IFSCA के पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, इजयंती श्रीनिवास। यहाँ पे बात हुई आपकी IFSCA, इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। ठीक है, IFSCA का फुल फॉर्म होता है आपका इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस एंड सेंटर्स अथॉरिटी। इसका हेडक्वार्टर गांधीनगर में है, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है आपको, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में कैसे चुना गया है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर हो जाएगा, क्लिंटन डी कोक को दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। साउथ अफ्रीका के फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में लोरा वोल्वालाइट को चुना गया है। ठीक है, साउथ अफ्रीका के फीमेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में लोरा वोल्वाइट को चुना गया है, ध्यान रखना ये। और पुरुष में क्लिंटन डी कोक को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 42 का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट्स को किसने लॉन्च किया है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि M. वेंकैया नायडू जी ने भारत के पहले सोशल मीडिया सुपर ऐप एलिमेंट को लॉन्च किया है।
जो एम वेंकैया नायडू जी हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति जी है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 आपको दिया हुआ है, हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि स्वीडन देश जो था ये हाल ही में जारी सतत विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है। यहाँ पे बात हुई है स्वीडन की, तो स्वीडन की राजधानी है आपकी स्टॉकहोम, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। स्टॉकहोम है ये स्वीडन का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है, और यही इसकी राजधानी है। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वो स्वीडिश क्रोना चलती है, स्वीडिश क्रोना यहाँ की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 दिया हुआ है आपको, किसने आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप लॉन्च किया है, ये भारत के प्रधानमंत्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 दिया हुआ है आपको, हीरो साइकिल ने किस देश के साथ 900 करोड़ का सौदा रद्द कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि चीन देश के साथ हीरो मोटरसाइकिल ने 900 करोड़ रुपए का सौदा रद्द कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे बात हुई है चीन की, तो चीन की राजधानी है आपकी बीजिंग, यहाँ की जो मुद्रा चलती है वो रेनमिन भी है, यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो ली किकियांग है, ली किकियांग यहाँ के प्रधानमंत्री है। चीन की राजधानी बीजिंग है, यहाँ की मुद्रा रेनमिन भी है, यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो ली किकियांग जी है यहाँ के प्रधानमंत्री। और ध्यान रखना जो चीन की एक नदी है, चीन की सबसे बड़ी नदी का नाम है आपका यांगसी, यांगसी चीन की सबसे बड़ी नदी है, और ये चीन की ही नहीं बल्कि एशिया की भी सबसे बड़ी नदी है ये यांगसी, ठीक है, सबसे बड़ी नदी है एशिया की, तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है आपको, किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पश्चिम बंगाल ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे बात हुई है पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी कोलकाता, यहाँ के मुख्यमंत्री आपकी ममता बनर्जी जी, और जो पश्चिम बंगाल है इसके राज्यपाल है आपके जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़ यहाँ के राज्यपाल है, और कोलकाता उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो TBN राधाकृष्णन जी यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ है आपको, किस राज्य की गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का खिताब मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उत्तराखंड राज्य की गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का खिताब मिला है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य की तितली है जिसके पंखों की लंबाई कितनी है, 194 मिलीमीटर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है आपको, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का हाल ही में निधन हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गोवा राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का हाल ही में निधन हो गया है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है आपको, दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को जल्द ही नेशनल पार्क का दर्जा मिलेगा, यह किस राज्य में है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ये दिहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य है ये असम राज्य में स्थित है, इसे जल्द ही नेशनल पार्क का दर्जा मिलने वाला है। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट हो जाता है यहाँ से। असम की राजधानी भी ध्यान रखना आपको दिसपुर है, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल है। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अभी तक आपने दोस्तों का शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख पाए। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, ठीक है, थैंक यू।